Hey there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on refraction of light. In the last one we have already studied the total internal reflection and the critical angle concept. Okay, और इस lecture में अपन लोग अब start करेंगे lens के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? हमारा जो chapter चल रहा है वो चल रहा है refraction of लाइट, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं समझा दूं लेंस क्या है. तो लेंस इज अ ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, ठीक है, या डाइवर्स. दो चीज काम करती है, कन्वर्ट करती है मतलब सिकोड़ देगी, या डाइवर्स मतलब फैला देगी. किसको? लाइट रे को. किसको? लाइट रे को. तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो लेंस की, कि लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रे. ओके, अभी कई टाइप की होती है, लेकिन अपने को जो टेंथ लेवल में पढ़ना है, दो बेसिकली दो लेवल है, दो चीजें हैं बस अपने को, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. ओके, तो दो ही लेंस अपने को पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस. कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, भाई मैं भी अपने टाइम में इस प्रॉब्लम से वाकिफ हुआ हूं, कि प्रॉब्लम ये आती है हम लोगों को कि ये कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है. ठीक है, जो क्लास का जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो तो समझ लेता है, लेकिन जो मीडिएटर होता है और जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता जल्दी से कि कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है. बनाना कुछ कोई सा होता है, बना कोई और सा देता है. तो एक कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है. वर्ड्स पे ध्यान दो. तो यहाँ पे वैक्स लिखा है, वैक्स, वैक्स का मतलब है एक कोई स्लिपी चीज, ठीक है. तो अपने को एक ऐसी सरफेस बनानी है जिसपे से स्लिप कर सके, जैसे ये, ठीक है, ये कैसी है, इसपे से आप इधर से आओगे तो स्लिप कर जाओगे. ओके, और इधर से सेम यही फिगर इधर से, ठीक है. वैसे इसका एक्चुअल नाम होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होता है, ठीक है. इसकी सरफेस दोनों तरफ से कैसी है, कॉन्वेक्स है, इसलिए बाइकॉन्वेक्स लेंस और बाइकॉन्केव लेंस अपन लोग को पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल अपन लोग उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये कौन सा हो गया भाई, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दोनों तरफ से कैसी शेप है इसकी, कॉन्वेक्स है, कॉन है और वैक्स की तरह स्लिप करेगा, ठीक है. अब दूसरा कौन सा होगा, कॉनकेव, ठीक है. तो कॉनकेव कैसा होगा, केव, कॉनिकल केव, ठीक है. ये देखो दोनों तरफ से शेप कैसी है इसकी, कॉनिकल है. कैसी है, कॉनिकल है मतलब आप, सॉरी कॉनिकल कह रहा हूं, केव फॉर्म में है, मतलब ऐसा कॉन जिसके अंदर आप एंट्री कर सको, केव के अंदर आप एंट्री कर सकते हो. दोनों तरफ से देखो तो आप इसको एंट्री कर सकते हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव. और इसको क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स लेंस, ठीक है. और देखो एक कॉन्सेप्ट और भी है, देखो कॉनवेक्स जो होता है बीच में से मोटा, साइडों से पतला होता है, यही बोलते हैं, ठीक है. टीचर लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, बीच में से मोटा और साइडों से पतला, तो द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. और जो साइडों से किनारों से अपनी क्या हो, मोटा हो और बीच में से कैसा हो, पतला हो, द लेंस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है. तो आप जैसा भी बन चाहे वैसा कर सकते हो. मैं इस तरीके से याद करता हूँ, उस टाइम पे भी मैंने अपने टाइम में भी इस तरीके से ही याद किया था कि वैक्स है जिसे तो हो जाऊंगा मैं, तो इसीलिए इस शेप में, और केव है तो एंट्री करा दो, गड्ढा बना दो, ठीक है. तो ये तरीका है आपको फिगर याद रखने का. फिगर से अपने को ज्यादा कुछ काम धंधा आज क्लास में है नहीं. आज हमारा मतलब है, मकसद है इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ना, ठीक है. इसको हम फर्दर स्टडी करने से पहले इसके बारे में जान लें कि इसमें क्या क्या चीज आती है, कौन कौन से पॉइंट है जो इसमें आते हैं, ठीक है. जैसे मिरर होता है वैसे ही लेंस में भी कई सारी चीजें हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो आएंगे, ठीक है. तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं.
लेंस की मेरे ख्याल से आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है, नहीं लिखी है तो कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस, टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक लेंस बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं इस बार कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरा भी सेम यही चीज होगी, कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन मैं बना लेता हूं इसमें थोड़ा सा सही बना लेगा, ठीक, वो पॉइंट बोल देता हूं उसको, ठीक है, इसको F1, इसको F2। अभी देखो जानते जाओगे धीरे धीरे ये क्या है, 2F1 F1 F2 2F2, ओ पॉइंट ही क्या है अभी जान लोगे, थोड़ा सा सबर रखो, ठीक है, फिलहाल तो अपन लोगों ने फिगर बनाई है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा स्टार्ट होता है हमारे 2F1 या 2F2 से। इनका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत आसान है, सबसे आसान डेफिनेशन होती है इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट, इज दैट पॉइंट बाय विच द लेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये सॉरी मैं थोड़ा सा उसको सही से बोलूंगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ द लेंस इज दैट पॉइंट, ठीक है, या इज दैट सेंटर बाय विच द लेंस इज फॉर्म्ड, जिस कर्वेचर से, जिस सरफेस से लेंस बना है उसका कोई ना कोई क्या रहा होगा, सेंटर पॉइंट रहा होगा, उसी पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस के कर्व का सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारे लेंस है, हम कौन से लेंस पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं, कौन से लेंस पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल, ठीक है, तो आप जानते हो कि स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर होता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर है जिस भी सरफेस से बना है। अब देखो यहां पे दो स्फेरिकल सरफेसेस है, एक तो ये है ना, और एक ये वाली है, ओके, दो सरफेसेस हैं यहां पे जो स्फेरिकल है, इसीलिए हमारे पास दो सेंटर पॉइंट है, 2F1 और 2F2, ठीक है, 2F1 और 2F2, कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी, है क्या, नहीं है, बहुत सही। अब देखो एक बात, चलो बाद में बताऊंगा वो बात, तो फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस कर्वेचर का सेंटर होता है जिस कर्वेचर से लेंस जो है फॉर्म हुआ है, ओके, उसके आगे की बात करें, ठीक, तो उससे आगे अपन लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इमेजिनरी एक्सिस विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ओके, ये क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आपको, ऑप्टिकल सेंटर अभी बाद में बताएंगे, फिलहाल आप याद रखो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, इज दैट इमेजिनरी एक्सिस विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत है, या आप ये भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट एक्सिस, दैट इमेजिनरी एक्सिस विच कनेक्ट्स, विच कनेक्ट्स बोथ सेंटर ऑफ द लेंसेस, ठीक है, इसको ऐसे मैं बता दूं आपको, इनमें से एक सेंटर होता है प्राइमरी सेंटर और दूसरा होता है सेकेंडरी सेंटर, ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं रहा था क्योंकि मैं फोकस पर बताना चाहता हूं चीज, ओके, तो आप यही बोल सकते हो कि द लाइन, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी एक्सिस विच कनेक्ट्स द F1 and 2F2 both center of curvature of the spherical lens, ठीक है,
जो उन दोनों को कनेक्ट करती हो, वो लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर जैसे ही मैंने ये ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं 2F1, 2F2। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट विच इज इन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लेंस के एकदम मिड बीच में होगा, ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और ये किस पे लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिससे यदि कोई लाइट रे पास हुई, इसकी प्रॉपर्टी जान लो, यदि इससे कोई भी लाइट रे पास हुई तो विदाउट एनी चेंज इन पाथ इट विल गोज अवे, जैसे वो जा रही थी वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, मतलब मैं इसमें ही बता दे रहा हूं आपको, यदि यहां से कोई लाइट रे ऐसे गई तो जूं की तू स्ट्रेट, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको अलग से एक पॉइंट बना दिया गया है। ठीक है, समझ में आया होगा, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज हमारे को बहुत है। ठीक है, जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज काफी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद आपका आएगा, अच्छा रेडियस, रेडियस ऑफ लेंस, यदि मैं ऐसे ही बताना चाहूं ओरली बता सकता हूं, रेडियस कौन सी होगी, उस कर्वेचर की रेडियस जिससे लेंस बना है, द रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर बाय विच लेंस इज फॉर्म, द रेडियस विल नोन एज द रेडियस ऑफ द लेंस, और देयर विल बी टू रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, फर्स्ट सरफेस की, सेकेंड सरफेस की। ओके, क्लियर है, तो उसके आगे देख लेते हैं, मैं क्या बता था, मैं बता था फोकस पॉइंट बताता हूँ, पहले फोकस पॉइंट, ये अपना सेकेंड लास्ट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या होता है, यदि दो लाइट रे या कोई भी लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इफ टू लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है कि नहीं, अरे ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, ज्योमेट्री में स्केल लेके नहीं बैठा हूं, जब परफेक्ट पैरेलल बना दूंगा, पैरेलल है। ठीक है, हाँ, तो यदि दो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं और लेंस पर लगी हैं, ओके, तो वो किसी एक पॉइंट पर फोकस होंगी। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा लेंस है, ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, इसको दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा नाम होता है, कन्वर्जिंग, क्यों कर रहा है ये, क्योंकि कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज का मतलब सिकोड़ता है, यदि यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता तो क्या करता, डाइवर्ज करता, क्या करता, डाइवर्ज। तो भाई सुन लो, फोकस फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर दो जिस पर लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होती है, कन्वर्ज होती है। ठीक है, ऐसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट जिस पर एज दैट पॉइंट ऑन विच लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट रेज वाज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो वे कन्वर्ज हुई है या ऐसा लग रहा है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ओके, इसको आप कैसे समझोगे, तो उसको भी समझ लो, खैर आगे का तो पॉइंट अपने आप को समझ जाओगे, इसको समझा देता हूं मैं। तो इसमें तो साफ दिख रहा था कॉन्वेक्स लेंस में कि लाइट रे फोकस हो गई, लेकिन कॉनकेव में ऐसा नहीं होता, कॉनकेव में इट अपीयर्स टू बी सीन, ऐसा लगता है कि आया है भाई उधर से, ऐसा होता नहीं है। तो ये लाइट रे पैरेलल है, ठीक है, दो आए, दस आए, 10,000 आए, कितनी भी हो, ये लाइट रे पैरेलल होगी, जैसे यहां पे आई
रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट हुई तो क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। और डाइवर्ज होके हम यदि इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो क्या लगेगा मुझे, मुझे ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से। ओके, इट्स कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। तो ये होता है डाइवर्जन, और ये किसके लिए है? कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए है? कॉनकेव लेंस के लिए। तो यहां पे इस फोकस से आती हुई लगेगी, और आ कहा करेगी है, यहां से। ओके, तो इसको बोलते हैं अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। और जो पिछला हमारा फिगर था वहां पे क्या था, वहां पे जो लाइट रे थी वो कंप्लीटली फोकस हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों ही चीज है यहाँ पे आपकी, कि जो अपीयर्स टू बी कन्वर्ज है और कन्वर्जिंग भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, फोकस पॉइंट। अर्थ देखो यहाँ पे दो फोकस पॉइंट है, इन द लेंसेज देयर आर टू फोकस पॉइंट F1 एंड F2। ओके, देयर आर टू फोकस पॉइंट, और डिपेंड करता है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे जो ये आप लेंस देख रहे हो इस समय बोर्ड पे बना हुआ, कौन सा लेंस है ये? बहुत सही, कॉनकेव लेंस है। तो ये जो है इसमें F1 जो होता है वो प्राइमरी फोकस होता है, F2 जो होता है वो सेकेंडरी फोकस होता है, जबकि जो पिछला वाला था उसमें F2 जो था वो प्राइमरी फोकस था और जो F1 था वो क्या था, सेकेंडरी फोकस था। ये क्यों होता है आप समझ सकते हो, देखो यहां से लाइट रे इस पे अपीयर होती हुई दिख रही है, इसीलिए इसको प्राइमरी बोल दिया। पिछली बार में किस पे अपीयर हो रही थी, किस पे मिल रही थी, F2 पे, इसीलिए उसको क्या बोल देता, प्राइमरी। ठीक है, जिस पे फोकस होंगी या ऐसा लगेगा फोकस हो रही हैं उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोकस। ओके, तो यहां पे क्या है, ये प्राइमरी फोकस है। ठीक है, F1 इज प्राइमरी फोकस। ठीक है, उसी हिसाब से आप 2F1 को क्या बोल सकते हो, 2F1 को क्या बोल सकते हो, प्राइमरी सेंटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, बस लास्ट है और क्या है। फोकल लेंथ, ठीक है, अरे फोकल लेंथ क्या होता है, बड़ा आसान है। फोकल लेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू द फोकस पॉइंट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ, और देयर विल बी टू फोकल लेंथ F1 एंड F2। लेकिन हमारी हमेशा हर केस में F1 इक्वल टू क्या रहेगा, F2 रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। आप डेफिनेशन लिख लो फोकल पॉइंट की, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ। इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल F से। ठीक है, और एक रिलेशन में बता दे रहा हूं फिर से इस बार, स्मॉल F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R बाई 2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पे अपन लोग काम खत्म करते हैं, और एक काम करते हैं, आपके लिए टास्क रखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको उतार लेना, आपके लिए एक टास्क रखते हैं, देखते हैं जरा कितना लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, इनटू डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, तो मैं यदि वैल्यू दूं ए N1 इक्वल टू 1.2, N2 इक्वल टू 2.4 लेते हैं। ठीक है, एंड R इक्वल टू 30, I की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये तीन वैल्यू दी हुई है आपको, I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे को आप फाइंड करके बताना, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को, और नहीं तो आप कर सकते हो, मुझे पता है आप में से कई बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप करो या कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।